हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के बोर्ड एग्जाम की घोषणा हो चुकी है और मेरा ऐसा मानना है कि अब 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स को, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के हो, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, अब उनको किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे या हमको मार्क्स केवल हमारी ईयरली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे पहले कोरोना पेंडेमिक में हुआ था वैसे ही अभी होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब इस तरह के सारे कन्फ्यूजन्स को आप दिमाग में से निकाल दीजिए, ऐसी बातों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि अब ये ऑफलाइन ही होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। और कोई अगर इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। मींस इट मींस मैं इसलिए इन सब बातों को कह रहा हूं क्योंकि कई बार सपने ज्यादा आते हैं स्टूडेंट्स को, और सपने में ये बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कहा कि हम प्रेयर कर रहे थे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं कुछ नहीं होने वाला है। अब हम मेन बात पे आते हैं कि एक ही चीज होने वाली कि एग्जाम होने वाला है, डेट्स ऑल। तो ये बाकी बातें अपने सब बात से निकाल दीजिए। 26 अप्रैल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है एग्जाम की स्टार्टिंग डेट, और स्टेट बोर्ड की अलग अलग स्टेट के हिसाब से, जैसे मैं अभी राजस्थान में हूं तो 24 मार्च से राजस्थान में 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। इसी तरह से हर स्टेट का अलग अलग डेट है। तो मैं जो आपसे आज कहना चाहता हूं उसमें से पहली बात तो यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप लग जाइए, किसी भी भरोसे में मत रहिए। और ये जो एग्जाम है ये बहुत अच्छी तरह से होने वाले हैं, बहुत विधिवत, जैसे पहले होते थे वैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। आपको वहां जाना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, अंटिल एंड अनलेस कोई इस तरह की दूसरी चीज नहीं हो जो होने की संभावना नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो आपको अब अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चालू कर देनी चाहिए, और उसके लिए समय समय पर हम अलग अलग टिप्स देते ही रहते हैं, पर आज का जो पहला टिप्स है वो मेरा यही है कि अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में हैं तो आपको टर्म 2 पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि 90% बच्चों ने अभी तक भी ऑनलाइन और ऑफलाइन एंड जितने भी अलग अलग पैटर्न थे एजुकेशन के उसके अंदर कन्फ्यूजन के साथ ही किया था। अब आप ऐसा मत करिए, अब इन सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए और टर्म 2 पे फोकस हो जाइए, उसी पे फोकस हो जाइए। इसी तरह से स्टेट बोर्ड, उनके लिए तो हालत और भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी क्योंकि उनको तो पूरा सिलेबस देना है। हाँ, जिस बोर्ड ने जितना कम किया, मैं राजस्थान से हूं तो 30% सिलेबस कम कर दिया है राजस्थान ने, तो पूरा पेपर जैसे पहले होता था वैसे ही आएगा, बस ये 70% में से आएगा। तो पहली चीज मैंने क्लियर कर दी, और उसको क्लियर करने से आप अपना एक चीज फिक्स कर लीजिए कि मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, राइट। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए एट एनी कॉस्ट। अभी जो मौका है 8 to 9 hours पर डे, लीस्ट में कह रहा हूं 8 to 9 hours पर डे आपको देना है। वेल बिगिन इज हाफ डन, आज चालू करेंगे अच्छा रहेगा, और इसके आगे करेंगे तो और डिफिकल्टी में आएंगे। तो वाई नॉट राइट फ्रॉम टूडे यू विल स्टार्ट योर स्टडीज, फॉरगेट एवरीथिंग। 7 to 8 hours पर डे, दिस इज द मिनिमम टाइमिंग। ये मैंने आपको न्यूनतम समय बताया है कि 7 to 8 to 9 hours के करीब, 7 to 9 मान लीजिए, इसके बीच आपको पर डे करना है। ओके, ये मेरी दूसरी टिप है। आप कैसे भी टाइम को सेट करिए, आपकी बॉडी के क्लॉक के अकॉर्डिंग सेट करिए। आप रात में ज्यादा जगते हैं तो रात में जगिए, आप दिन में पढ़ते हैं तो दिन में पढ़िए, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, नया कुछ करने की जरूरत नहीं। पर 7 to 9 hours के बीच में पर डे आपको स्टडी करनी है, सारे सब्जेक्ट को करना है। नॉट लाइक दिस के आपने अभी एक सब्जेक्ट में करूंगा पहले, फिर वो खत्म हो जाएगा तो दूसरा करूंगा। पर डे पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए प्रॉपरली, नहीं तो आप क्या करेंगे, आपने इंग्लिश को काम है 4-5 days में खत्म करूंगा,
अब 5 डेज में आपने इंग्लिश तो कर लिया, लेकिन 5 डेज में आपने बाकी किसी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट्स, कोई भी सब्जेक्ट है आपके, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, आपने किसी को टच नहीं किया, मतलब बाकी सब्जेक्ट से आप 5 to 6 डेज के लिए डिटेच हो गए हैं, राइट? ऐसा नहीं करना है, रोजाना जितना भी वक्त मिले सारे सब्जेक्ट को आप करिए। तो मैंने बहुत कम टिप्स बताई है। नंबर वन, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, आगे और वीडियो में बताते जाएंगे, और आपकी भी डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, हम उसको एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और अब मैं आपके साथ, एग्जाम आपके नहीं होते तब तक लगातार जितना ज्यादा हो सकेगा मैं इस तरह के वीडियो के मार्फत आपके साथ बना रहूंगा और आपको गाइडेंस देता रहूंगा। तो नंबर वन, नो कंफ्यूजन, स्टार्ट योर स्टडीज। नंबर टू, फोकस ऑन सिलेबस, जो आ रहा है उसी पे फोकस करें। अभी बाकी सब कॉम्पिटिटिव वगैरह की तैयारी को 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, IIT मेडिकल उसके लिए आपको बाद में मौका मिलेगा। नंबर थ्री, टाइम मैनेजमेंट, आपको 7 to 9 hours के बीच में पर डे आपको करना ही है, 7 to 9 hours के बीच में। और फोकस ऑन NCERT, CBSE बोर्ड की NCERT की जो बुक्स है उसके ऊपर आप फोकस करिए। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आप इन सब चीजों को फोकस करते हुए अगर प्रॉपरली आप आज से ही अपना काम चालू करते हैं तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और ये एग्जाम आप बड़े आसानी से निकाल देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और नए नए सब्जेक्ट के साथ में अब आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए टिप्स के साथ में मैं लगातार MK Jain, MK JC स्मार्ट से आपसे मिलता रहूंगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम एंड होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ताकि उनको भी प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।